दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मेरा नाम अनुप गौतम है। ये आप मेरे सामने भाटी इटौरा बाईपास के पास भाटी है, रीवा मध्य प्रदेश, न्यू स्टेडियम बन रहा है। ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम भाटी इटौरा बाईपास रीवा मध्य प्रदेश में है, जो कि हमारे भाई और बहन और जो क्रिकेटर्स हैं, यंग टैलेंट, रीवा शहर वासियों के लिए एक उपहार के तौर पर है। दोस्तों ये पार्किंग के लिए है, जो गाड़ियाँ आएंगी, कार और बाइक पूरा। ये आप मेरे सामने दोस्तों देख सकते हैं, नॉर्थ साइड स्क्रीन ये है, नॉर्थ साइड स्क्रीन, साउथ साइड स्क्रीन ये सामने आप देख सकते हैं, 200 मीटर दूर जो दिख रहा है वाइट वाइट। नॉर्थ साइड स्क्रीन ये आप सामने मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैच होंगे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में, ये रन भी यहाँ पे लिखे जाएंगे, रन बोर्ड यहीं पे होगा। दोस्तों पूरा स्टेडियम है, आप ये पूरा तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको। सबके मजदूर लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं की कड़ी मेहनत तपस्या है जो कि स्टेडियम इतने कम दिनों में बनकर तैयार है आप लोगों के लिए। नॉर्थ साइड स्क्रीन, पार्किंग एरिया फ्रंट में है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। ये जो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्टेडियम हैं। मैं भी खड़ा हूँ लड़कों के स्टेडियम पे, ये यहाँ पे मैच टीम खेलेगी। और ये जस्ट अपोजिट में आप लगभग 250 मीटर दूर दे सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे वुमेन्स टीम खेलेंगी। वो जो सामने आप ये पोल देख पा रहे हैं, मैंने जूम किया स्क्रीन को, जो आप पोल देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस नेट सेशन होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी टीमें। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पे सबसे पहली फैसिलिटी है कि यहाँ पे दो स्टेडियम हैं, एक लड़कों का है और दूसरा लड़कियों का स्टेडियम है। दोनों दो स्टेडियम यहाँ तैयार हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जो कि ऐसा इंडिया में कहीं होता नहीं है, आपका रीवा में सब पहली बार हो रहा है। एकेडमी की यहाँ सुविधा है, यहाँ पे आप क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ग्वालियर के सर हैं, देशराज सिंह सर, उनसे मैं ग्वालियर के हैं, उनसे मैं उनकी देख रेख में यह स्टेडियम बना है। ये आप मेरे सामने लाइट देख सकते हैं, लाइट के साथ 6 पोल लगाए गए हैं, जिससे कि रात में मैच कराए जा सकते हैं। दोस्तों ये आप लाइट देख सकते हैं मेरे सामने, दो दो लाइट करके लगाया गया है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, एक लेफ्ट हैंड साइड में लाइट दिख रही है आपको, है ना, जो मजदूर जा रहे हैं गिट्टी पत्थर लेके, और एक ही राइट हैंड साइड में लाइट मेरी दिख रही है आपको। ये सेट बनाया गया है, यहाँ पे आप पानी चाय की सुविधा है, वॉशरूम, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं प्रैक्टिस पिच है, बोले तो नेट्स हैं जहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस करेंगे एक दिन आकर। ये आप हरियाली देख सकते हैं, हरा हरा भरा है पूरा, ये आप हरा अच्छे से देख सकते हैं। ये सेट के चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि ग्रीनरी प्रॉपर बनी रहे। ये पिच को दुरुस्त एवं मरम्मत के लिए कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं, किससे पिच समतल होती है, ग्राउंड मैन टीम के अंडर में, और ये कुछ ग्राउंड मैन सर के अंडर में कुछ इक्विपमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप लोग कभी मुकुंदपुर वाइट सफारी गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश आए, तो वहाँ तो घूमिए घूमिए, कृपया एक बार यहाँ भी इस सुंदर स्टेडियम को विजिट करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।